हाय फ्रेंड्स, सरलास किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरी चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सब रेसिपी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सर्दियों में खाने वाली मेथी की सुखड़ी की रेसिपी शेयर करती हूँ। और ये मेथी की सुखड़ी बनाना बहुत ही आसान है। ये मेथी की सुखड़ी खाने से फ्रेंड्स बैक पेन और घुटनों में दर्द नहीं होता है। बहुत अच्छी हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो ये है उड़द का आटा। उड़द का आटा मैंने किट्टी चक्की पे पिसवा के लिया है। और ये मेथी दाने का आटा है। ये जो मेथी हम जो सब्जी वगैरह में डालते हैं ना, ये मेथी का ये पाउडर है। ये रेडीमेड आपको आराम से मार्केट में मिल जाता है। ये 3200 है। इसके अंदर पूरा सब मसाला होता है। इसमें वाइट पेपर होता है, कार्डमम पाउडर होता है यानी इलायची का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, फिर गंठोड़ा पाउडर और फिर वाइट मूसली, वो सब मसाला इसके अंदर होता है फ्रेंड्स। और इसी के साथ हमने जागेरी गुड़ लेते हैं और काजू का पाउडर, बादाम का पाउडर, सूंठ पाउडर, घी। ये घी यहाँ पे मैंने गाय का घी लिया है। और ये गोंद का पाउडर, ये जो खड़ा वाला गोंद मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा, ऐसे ऐसे दाने दाने में मिलता है, वो मैंने मिक्सर जार में क्रश कर लिया है। ये उसका पाउडर बना लिया है फ्रेंड्स। ये इससे हमारा बैक पेन और घुटनों का दर्द नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी। और ये है कोकोनट पाउडर, मैंने कोकोनट को एकदम पाउडर कर लिया है, वो लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं और बड़े से बर्तन में फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो हमने मेथी का पाउडर बनाया हुआ है ना, ये मार्केट में से मैं लाई हूँ, रेडीमेड मिल जाता है, मेथी का पाउडर डाल देते हैं बड़े बर्तन में। अभी इसमें दरदरा पिसा हुआ बादाम ऐड कर लेते हैं, काजू पाउडर ऐड कर लेते हैं। ये काजू पाउडर मैंने मिक्सर जार में कर लिया था, वो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम सौंठ का पाउडर ऐड करते हैं यानी ड्राई जिंजर पाउडर, और कोकोनट पाउडर यानि कोबरा है ना, जो कोकोनट ड्राई वाला उसका पाउडर है, ये भी मार्केट में आराम से मिल जाता है। आपके पास कद्दूकस किया होता तो भी चलता है फ्रेंड्स। और इसी के अंदर ये वसाणु, इसके अंदर मैंने बताया ना फ्रेंड्स सब मसाला इसके अंदर होता है, गंठोड़ा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट मूसली का पाउडर, नागकेसर, वो सब इसी के अंदर होता है। और ये खाने में बहुत ही हेल्दी रहता है। और मार्केट में आपको आराम से 3200 यानी काटलू बोलोगे तो आराम से मिल जाता है। और ये सब पाउडर हमें यहाँ पे ये मिक्स कर लेते हैं आराम से, सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। ये मिक्स करने के बाद इसको साइड पर लगा देते हैं और अभी कढ़ाई को गैस पर चढ़ा के अब यहाँ पर एक कटोरी घी लेते हैं और ये घी को गरम कर लेते हैं। जितना घी लिया है उतना ही उड़द का आटा लेना है, यानी एक कटोरी उड़द का आटा लेते हैं। जो कटोरी से घी मापा है उसी कटोरी में हमें उड़द का आटा माप के लेना है। और फिर इसको मीडियम आंच पे अच्छे से सेक लेते हैं। उड़द का आटा को अच्छे से सेक लेना है फ्रेंड्स, और एकदम से धीमे धीमे, देखो आप देख सकते हो कि घी थोड़ा मेल्ट होने लगा है। और मीडियम आंच पे सेकने से आटा थोड़ा भी कच्चा नहीं रहेगा। उड़द का आटा वाइट होता है और ये एकदम थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमें सेकना है। और मीडियम आंच पे सेकेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से घी भी मेल्ट हो गया है और कलर थोड़ा चेंज हो गया है, पहले वाइट था अभी थोड़ा पिंकिश हो गया है। इसी स्टेज पे हमें ये गोंद का पाउडर ऐड कर लेना है, क्योंकि गरम गरम घी और उड़द का आटा है तो इसके अंदर गोंद ऐड करने से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से ये फूल जाएगा। और धीमे धीमे अच्छे से ये पूरा गोंद हमें ऐड कर लेना है और घुमाते जाना है, चलाते रहना है। पूरा गोंद मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से बबल्स बबल्स दिख रहे हैं ना, ये गोंद थोड़ा फूल गया है, इसका ये बबल्स है। और बहुत ही अच्छे से ये उड़द का आटा का कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छे से ये सेक कर रेडी हो गया है।
अभी गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और जो हमने मेथी पाउडर वो सब मिक्सर रेडी किया है इसी के अंदर ये गरम गरम ही ऐड कर लेना है। गरम गरम ये घी और उड़द का आटा ऐड करने से मेथी का पाउडर भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और फटाफट चम्मच की मदद से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही गर्म है। और ये मिक्स होकर रेडी हो गया है। अब इसको हाथों से थोड़ा मिक्स करके प्रेस करके इसे दबा देते हैं। अब इसको ढककर साइड पे रेस्ट दे देते हैं और ये रेस्ट होता है तब तक। यहाँ पे ये मैंने केक मोल्ड है और इसको ग्रीस कर लेते हैं, अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है पूरे में, पूरे मोल्ड में। स्क्वायर वाला मोल्ड है, आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो ऐसे थाली जो हम खाना खाते हैं थाली के ऊपर भी आप कर सकते हो, इसको भी ग्रीस करके इसके अंदर लगा सकते हो। अभी जो कढ़ाई में हमने उड़द का आटा सेका था उसी कढ़ाई में हम अभी फिर से 3 टेबलस्पून जितना घी ऐड कर लेते हैं और घी थोड़ा मेल्ट होता है उसके बाद इसके अंदर हम 300 ग्राम जितना गुड़ लेते हैं जागीरी। यहाँ पे गुड़ हम यूज़ करेंगे, यानी 100 ग्राम उड़द का आटा, 200 ग्राम मेथी का आटा, तो इसके सामने ये 300 ग्राम हम गुड़ लेते हैं। आपको ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए तो आप गुड़ की क्वांटिटी कम कर सकते हो, लेकिन ये माप परफेक्ट है हमारे घर के लिए। तो गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है, इसमें चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स, सिर्फ गुड़ को हमें मेल्ट करना है। और घी के अंदर बहुत ही अच्छे से ये मेल्ट हो रहा है फ्रेंड्स और गुड़ भी थोड़ा पिघलने लगा है। देखिए फ्रेंड्स एकदम हलवा जैसा एकदम स्मूथ बन गया है। अभी ये इस स्टेज पे हम यहाँ पे दूसरा 3 टेबलस्पून जितना घी ऐड कर लेते हैं और घी थोड़ा अंदर मिक्स हो जाए, बाद में ये मिक्सर अभी बनकर रेडी हो गया है। अभी जो हमने मेथी का पाउडर का मिक्सर बनाया है उसको खोलकर अभी इसको भी थोड़ा खुला खुला कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है मेथी और ये पूरा मिक्सर बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया है और सॉफ्ट भी हो गई है। अभी थोड़ा हाथों से मिक्स करने के बाद जो गरम गरम घी और गुड़ का जो मिक्सर है वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। आपको ज़्यादा घी चाहिए तो आप ज़्यादा घी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये माप मेरे लिए परफेक्ट है। और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा ये हमारा मिक्सर बनकर रेडी हो गया है। देखिए ये मिक्सर से आप लड्डू भी बना सकते हो या फिर ऐसे प्लेट में डाल के इसको प्रेस करके अच्छे से सुखड़ी बना लेते हैं। हमारी मेथी की सुखड़ी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। ये मेथी की सुखड़ी खाने से फ्रेंड्स इसमें गोंद है, सूंठ पाउडर है और सब इसमें मसाला है, तो आपको पूरा विंटर बहुत अच्छा रहेगा। घुटनों में दर्द नहीं होता है, कमर में दर्द नहीं होता है और बहुत अच्छा ये हेल्दी हमारी मेथी की सुखड़ी बनकर रेडी हो गई है। तो अभी इसके ऊपर हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर लेते हैं, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स। और इसको थोड़ा प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स इसमें यहीं पर हम एक चाकू से इसके मार्क कर लेते हैं। हमको जैसे पीस चाहिए स्क्वायर तो स्क्वायर हम मार्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये मेथी की सुखड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी रहती है, बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि इसके अंदर मेथी डाल दी है और टेस्टी रहती है फ्रेंड्स। और गुड़ में बनाया है तो हेल्दी तो बहुत है। तो अभी थोड़ी देर उसको
2 घंटे के लिए रेस्ट दे देते हैं और ठंडा होने के बाद मैंने ये पीसेस बाहर निकाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेथी की सुखड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी तो है, हेल्दी भी है। तो ये विंटर में, ये सर्दियों में आप ये मेथी की सुखड़ी ज़रूर ट्राई करें। और आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, हैप्पी विंटर।